चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू दिस, दिया हुआ है एम्पियर, देन द फ्रीक्वेंसी एंड द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, उसके साथ, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट की जगह क्या है, 50 रूट टू, पहली चीज। दूसरी चीज, ओमेगा टी की जगह क्या है, 400 पाई इंटू टी। तो टी से ये टी कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू 400 इंटू पाई, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू, जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है। तो यहाँ पर 2 पाई न्यू लिख दिया मैंने, 400 पाई, पाई से ये पाई कट गया, न्यू इज इक्वल टू आ गया 200 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई 200 हर्ट्ज। तो ए और सी में 200 हर्ट्ज है, ठीक है। अब आरएमएस करंट, आरएमएस करंट की वैल्यू क्या होती है, आरएमएस करंट इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर आरएमएस करंट चाहिए, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आई नॉट की वैल्यू यहाँ रख दो, 50 रूट टू बाई रूट टू, रूट टू से रूट टू कटा, 50 आ गया एम्पियर आरएमएस करंट। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, ये वाला ऑप्शन, ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।